नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट डेटा एनालिसिस। तो दोस्तों, हम डेटा विजुलाइजेशन टूल्स में पावर बीआई डिस्कस कर रहे हैं, और पावर बीआई में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। जी हाँ, पावर बीआई की फंक्शन डैक्स फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। जो लोग वीवीए यूज करते हैं, वीवीए को जानते हैं, उनको पता होगा कि फॉर्मेट का यूज क्या होता है। तो चलिए हम फॉर्मेट फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पावर बीआई खोल रहे हैं, गेट डेटा पे जाते हैं और एक डेटा को ऐड करेंगे। हमने एक्सेल लोकेशंस पे गए एंड ओके। और यहाँ पे हम अपनी सीट को सिलेक्ट करते हैं, जो जिस सीट को हम सिलेक्ट करेंगे वही हमारा होना चाहिए। देन लोड लोड हो रहा है, यहाँ पे फील्ड्स के नेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे फील्ड्स के नेम होंगे। अब देखिए, मेरे पास जो डेटा है, अब मान लीजिए कि मैं डेट को यहाँ रखता हूँ और सेल्स को इसके अंदर रखता हूँ, तो मुझे इस पे रिपोर्ट दिखता है, जैसे आप रिपोर्ट देख रहे, ईयरली रिपोर्ट दिख रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका क्वार्टरली हो जाएगा। तो ईयरली हम वापस क्लिक करेंगे तो मंथली हो जाएगा, इस पे वापस क्लिक करेंगे तो डेट वाइज हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई पर्सन इस तरह से चेंज करके हमारी रिपोर्ट्स को छेड़छाड़ कर सके, हम सिर्फ मंथली रिपोर्ट चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा है, इसमें हमारे पास डेट्स हैं। अब इस डेट्स में मुझे स्पेशली मंथ को अलग करना है। तो हालांकि हमारे पास मंथ का फॉर्मूला है, तो मंथ को हम अलग कर सकते हैं, बट मंथ का फॉर्मूला सिर्फ आपका नंबर्स में लेके आएगा, लेकिन मुझे जनवरी फरवरी मार्च इसे फुल नेम में चाहिए। तो इसी के हम मॉडलिंग में जाएंगे। यहां पे तीन चीजें हैं, एड मेजर्स, न्यू टेबल्स एंड न्यू कॉलम्स एंड न्यू टेबल्स। तो न्यू कॉलम पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे सामने फॉर्मूला है, तो इस कॉलम को हम कर देते हैं नेम रीनेम कि मैं मंथ ऐड करने जा रहा हूं मंथ। और फिर यहाँ फॉर्म स्पेस दे देते हैं, फॉर्मूला में फॉर्मेट यूज करते हैं, फॉर्मेट में वैल्यू, तो वैल्यू में हमारा हो जाएगा डेट। डेट यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में डेट, इसमें बड़ी ब्रैकेट में डेट लिख देते हैं। बड़ी ब्रैकेट डालते ही सारे फील्ड के नेम आ जाएंगे, नहीं डालेंगे तो फिर वो आपका सिस्टम का नेम आएगा। तो डेट कॉमा, और फॉर्मेट में मैं 4 टाइम m लिख देता हूँ, जो कि एक्सेल की कस्टम फॉर्मेटिंग है उससे। उसके बाद आप नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और आसानी से मैं यहाँ पे मंथ को उठाऊंगा और इसके अंदर अपनी सेल्स को रख दूंगा, तो ये हमारा डेटा इस तरह से बन जाएगा। मुझे इसकी विजुलाइजेशन चाहिए, तो अपनी विजुलाइजेशन को हम यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, मैं इसी को सेलेक्ट करके विजुलाइजेशन पे रखता हूं, तो उस विजुलाइजेशन का रिपोर्ट हमारा बन के आ जाएगा। और इसमें कैसा कोई चेंज करने वाला ड्रॉप सिस्टम होगा नहीं, इससे हमारा फायदा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मेरी कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, एक्सेल बीबीए पावर बीआई टैबलू गूगल सीट एसक्यूएल सर्वर किसी तरह का कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, वहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।